तो भाई लोग कैसे हो। आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी गेम लूप में कौन से आईपैड व्यू रेजोल्यूशन सबसे बढ़िया और करेगी और कौन से रेजोल्यूशन में हमको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी और देखने में भी एकदम HD क्वालिटी में लगेगा। ठीक है, चाहे आपके पास 1080p डिस्प्ले हो, 2K डिस्प्ले हो, 720p डिस्प्ले हो, सभी डिस्प्ले पर गाइस मैं जो मेथड दिखा रहा हूँ इसकी मदद से आप जो गेम लूप की आईपैड व्यू को फुल स्क्रीन करके खेल सकते हो। ये नहीं कि साइड में तो ब्लैक बार आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, फुल स्क्रीन करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको कंट्रोल कोड भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको की मैपिंग का झंझट एकदम मिल ना लेना पड़े। तो वीडियो को पूरा देखने इन तक और सबसे पहले आप आईपैड व्यू का गेम प्ले एंजॉय कर लो, फिर हम चलते आगे वीडियो की तरफ। मैंने सेकंड फ्लोर है, स्मोक करे थे। खेचे खेचे तार नंबर भाई जान खेचे हमें जो सामने पावा सामने पावा हमने बॉडी से नीचे वॉच आउट Victory belongs to us. तो भाई लोग देखो, रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको गेम लूप को ऑन कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको थ्री लाइन पे सेटिंग पे जाने के बाद आपको इधर पे इंजन पे आनी है। आने के बाद दोस्तों इधर पे आज मैं जो रेजोल्यूशन दिखाऊंगा बहुत ही पॉपुलर रेजोल्यूशन है, बहुत सारे जो यूट्यूबर भाई लोग वो इसी रेजोल्यूशन का यूज करके आप सभी को गेम प्ले दिखाता है कि आज आपको यही रेजोल्यूशन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है इधर पे 1920, आपको इधर पे जो भी रेजोल्यूशन आपको इधर पे आके सबसे पहले कस्टमाइज पे चले जानी। आने के बाद दोस्तों आपको इधर पे लिखना है 1920 और इधर पे लिखना है 1440। अगर आपके पास 2K मॉनिटर है तो ये तो रेजोल्यूशन आपके लिए बहुत ही बढ़िया। अगर आपके पास 1080p है तो आपको इसको कैसे फुल स्क्रीन करना है वो मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, हमने रेजोल्यूशन सेट कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमको चले जानी है एनवीडिया कंट्रोल पैनल के ऊपर। तो हम आ चुके हैं एनवीडिया कंट्रोल पैनल के ऊपर। आपके पास अगर AMD का कंट्रोल पैनल हो तो सेम प्रोसेस रहेगा गाइस। सबसे पहले आपको चेंज रेजोल्यूशन पे चले जानी है। जाने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो कस्टमाइज दिखेगा इसके ऊपर टैप कर लेनी है। लेने के बाद मेक श्योर होना कि गाइस एक्सबॉक्स को आपको इनेबल रखनी है। रखने के बाद दोस्तों आपको इधर पे दिखेगा क्रिएट कस्टम रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हॉरिजॉन्टल जो है इधर पे जो हमने जो पहले दिया था 1920 इधर पे भी सेम 1920 दे देना है। और वर्टिकल दोस्तों मेरा 1080 है, इसका 1080p भी ऑटोमेटिक ले रहा है लेकिन हम खेलेंगे 1440p पे तो हमको इधर पे लिखना है 1440। ठीक है, इतना सा कर दोगे टेस्ट ये मांगेगा, टेस्ट कर देना है आपको। बाद ईएस का ऑप्शन मांगेगा, ईएस कर देना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो रेजोल्यूशन है गाइस सिलेक्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेनी है, करने के बाद दोस्तों ओके कर देनी है। अभी दोस्तों ऊपर आ जानी है, इधर पे देख रहे हो कस्टमाइज पे जो ऑप्शन है आपको उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देनी है। तो अपना जो है 1440 बाई 1920 बाई 1440 रेजोल्यूशन अपने डिस्प्ले के ऊपर आ गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमको एक और चीज़ करनी है ताकि अपना जो गेम है फुल स्क्रीन पे आ जाए। के लिए दोस्तों आपको इधर पे एडजस्ट डेस्कटॉप साइज पे चले जानी है एंड पर्सनलाइज पे। जाने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो दिखेगा फुल स्क्रीन वो कर लेनी है। लेने के बाद अपने जो रेजोल्यूशन सेट किया उसको सिलेक्ट कर लेनी है दोबारा से। करने के बाद अप्लाई कर देना, अप्लाई कर दो तो अपना जो है डिस्प्ले का काम हो चुका है। अभी दोस्तों अपना फुल स्क्रीन पे गेम ऑन होगा, आप देख सकते हो हम आज के अंदर गेम काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया लग रही है देखने में। अभी दोस्तों तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में चल के आपको की मैपिंग करना सिखाता हूँ, वरना मैं कंट्रोल कोड भी दे दूंगा आपको, तो आप चाहो उस कंट्रोल कोड का यूज़ करके जो है बढ़िया से एकदम सेटिंग कर सकते हो। अंदर अभी आप देख सकते हो अपना जो है गेम फुल स्क्रीन पे ऑन हो रहा है, देख स्क्रीन हो रहा है। काफ़ी और इसमें बहुत सारा जो एडवांटेज है कोड का यूज करना है तो आपको जो है ऑटोमेटिकली जो सेट हो जाएगा। ये वाला जो कोड है गाइस मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और आप चाहो इधर से भी कॉपी कर सकते हो। करने के बाद आपका जो है एकदम की मैपिंग एकदम ओके हो जाएगा गाइस।
बढ़िया। और चाहो तो आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, उसके बाद देख सकते हो। मैंने कुछ कस्टमाइज करके रखी है कीबोर्ड की मैपिंग, आपको कुछ करने की टेंशन नहीं है गाइस एकदम। मैं गुड बाय।